क्या वाकई ये लहर नहीं सुनामी है, नहीं चला जाति का कोई भी कार, तो क्या एक बार फिर से मोदी सरकार? ये वो सवाल है जो कि एग्जिट पोल्स के बाद उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मेरे बुद्ध में भाजपा का झंडा झुकने नहीं दूंगा। नतीजों का इंतजार सभी को है, लेकिन उससे पहले आए सभी एग्जिट पोल्स ने विपक्ष की नींदें एक बार फिर उड़ा दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई ये कोई लहर है या सुनामी। ताबड़तोड़ रैलियों के बाद पीएम ने जनता में विश्वास दिखाते हुए कहा था कि इस बार 300 के पार, और जनता ने भी कहा कि हाँ लीजिए इस बार 300 के पार। तमाम एग्जिट पोल्स के बाद बीजेपी और एनडीए में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कहते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता तक जाना है तो यूपी का रास्ता जरूर तय करना पड़ेगा। ऐसे में यूपी के सामाजिक ताने बाने में दलित, मुस्लिम और यादव वोट बैंक की पार्टियों का गठजोड़ देखकर हर कोई महागठबंधन के लिए एक तरफा नतीजों की उम्मीद लगा रहा था, लेकिन ये क्या हुआ? बीजेपी महागठबंधन को महामिलावटी कहते हुए 2014 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा कर रही थी और वो एग्जिट पोल्स में सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो क्या सवाल है कि बुआ और बबुआ की ये जोड़ी यहाँ फेल हो जाएगी? राजधानी की सियासत में जब शीला दीक्षित की एंट्री हुई थी तो माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस राजधानी में तो कोई करिश्मा जरूर कर दिखाएगी, लेकिन एग्जिट पोल ने इन सभी अनुमानों को खारिज कर दिया है और एक अलग ही तस्वीर दिखा दी है। हमेशा सबसे सटीक रहने वाले टोटल टीवी ने भी अपने एग्जिट पोल में साफ दिखा दिया कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ही काबिज होने वाली है, तो वहीं हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो गए तो क्या ये माना जाए कि 70 साल राज करने वाली कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की जरूरत है? सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो अभी और मुद्दों को खंगालना होगा और जनता के बीच जाना होगा। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।